पीटीआर वैन से शख्स को मारने के लिए निकालने की कोशिश करी। वहीं जब पुलिस ने इसका विरोध किया तो उन्होंने पुलिस को भी नहीं बख्शा और पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस हमले में एएसआई ओम प्रकाश घायल हो गए हैं और ये पूरी वारदात यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज तो कर लिया गया है और आगे की तलाश शुरू कर दी गई है। मोहाली से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जानना चाहेंगे दो गुटों के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद में फिर एएसआई जो है वो घायल हो गए, क्या कोई जानकारी आपके पास? प्रीति जी देखिए, मोहाली के निकटवर्ती बड़ा कस्बा पड़ता है सुहाना जी, वहाँ पर दो दुर्घटनाओं का आपस में बहुत बड़ी तकरार जो थी उसकी सूचना पुलिस को मिली थी कि दो गुट है वो आपस में भिड़ रहे हैं और हथियारों से लैस। जब पुलिस पार्टी वहाँ पर गई तो पुलिस पार्टी के साथ में ही एक पार्टी ने दूसरी पार्टी का जो एक आरोपी था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ था उनकी चुंगल में से एक तो पुलिस की चुंगल से उसको छुड़वाने की कोशिश की। इसी तरह जब पुलिस वाले ने उसकी बचा करने की कोशिश की कि भाई मैं इनको खाने ले जाया जाए और दूसरी पार्टी ने इनके ऊपर हमला कर दिया। प्रीति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो माजरा है, जो जो फिल्मी टाइप जो सीन है, जो दृश्य है, जब वजह पता चल पाई कि आपस में क्या वजह थी जिसकी वजह से दो झगड़ रहे थे? देखिए, अभी हमारी जो है एसएसपी साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि वो मामले की जांच कर रहे हैं और बड़ी बात है कि कोई कब्जा लेने को लेके, कोई झगड़े को लेके, कोई जमीनी विवाद को आपकी विवाद को लेके जाकर उसमें झगड़ रहे थे। और बड़ी बात है कि जब बीच बिता करते हुए एएसआई ओम प्रकाश जो बीच में आए उनकी भी बाजू के ऊपर कट लगा और भी एक दो इनके जो कांस्टेबल है, जो कर्मचारी है, उनके ऊपर भी हमला किया गया और मामले को लेके दाबी दी जा रही है। जो युवक है, जो बदमाश है, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है और इसको बिल्कुल चुनाव का माहौल चल रहा है जहाँ पर हम पुलिस को हमेशा सोचते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन जो हमारे रक्षक है उनसे ही अगर इस तरह से वार होने लग गए तो फिर काफी मुसीबत हो जाएगी। जी, आपकी बात प्रीति जी बिल्कुल सही है। यही बात बार बार उभर के सामने आ रही, क्योंकि पुलिस के एक आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया हो और दूसरा आरोपी है जिसकी उसके साथ झगड़ा हो और वो भी पुलिस की चुंबक उसको छड़वाने की कोशिश कर रहा हो, मतलब बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है, बहुत बुलंद है कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो अपने रक्षक का वो देख सकते हैं, गाड़ी बिल्कुल घूम रही है जैसे कोई गैंगस्टर टाइप ये लोग लग रहे हैं और पुलिस इसको लेके खूब खूब के कदम रख रही है, क्योंकि पुलिस का यही कहना है कि हम जो दोषी आरोपी हैं उनके वो बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। और एक फिक्र जो बात है कि आज से कुछ महीने पहले भी एक पुलिस कर्मचारी के ऊपर भी हमला हुआ था, उसकी भी वायरल हुई थी और सुहाना साहब गुरुद्वारा साहब के पास वो ड्यूटी दे रहा था और तीन चार युवक आए, उन्होंने वर्दी में उसके ऊपर अटैक किया, वो भी सोशल मीडिया पे काफी मामला जो शायर रहा, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसा ही ये दूसरा मामला जिसकी सीसीटीवी फुटेज जी, जितेंद्र फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, क्या कार्रवाई कर रही है, इसके अलावा जो एएसआई है उनकी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, एएसआई की जो बाजू में जो कट लगा था उसको वगैरह करके लगाए जा रहे हैं और धारा 307 के तहत भी ये कार्रवाई की जा सकती है जो हमें सूत्र बता रहे हैं, और जो आरोपी है उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि वरना गाड़ी बिल्कुल है और वरना गाड़ी का नंबर जो वो अलग अलग एरिया में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो मोली बैदवन की तरफ आगे हैं वहाँ की कैमरे खंगाले जा रहे हैं और पता किया जा रहा है कि ये गाड़ी किसके नाम पर खड़ा है और कौन कौन युवक है, यही इनकी पहचान होगी। और बड़ी बात ये भी हो सकती है कि झगड़े की बात नहीं है, इसमें हथियार भी हो सकते हैं और बिल्कुल मतलब काफी गंभीर मामला है कह सकते हैं। जी चलिए, जितेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और तमाम तरह जो आपने जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सिरसा में हैरान करने वाला एक मामला